हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अभी सुबह का 10:30 बज चुका है। अभी मैं आप लोग को ले जाऊंगा जारू के कैंप पे और वहाँ पे कैसे काम किया जाता है जारू का, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। यार देख सकते हो ऐसे ही काम होता है। ये देखो, ये सुखाया हुआ झाड़ू है। अभी और धूप में लगाना होगा सुखाने के लिए। जैसे कि लेके जा रहा है, ये सुखा रहा है उधर आगे, आप लोग देख सकते हो। हाँ, और ना उठम रहो, आगे नहीं जाए इसका उठावा। जेठी नासी से दिव्य नहीं की, जेठी की बांको भी नहीं की, गान का भी नहीं की। हाँ, ऐसे काम हो रहा है। देखो ये सुखा रहा है माल। गाइस देख सकते हो उधर तक आगे ये सब बिछा के रखा है सुखाने के लिए। ये देखो ये जो दारू देख रहे हो यही सुखाने के लिए अभी लगाया हुआ है। अभी शाम को 4-5 बजे करे पीए माल सब उठा के इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि आगे आप देख रहे हो ना, इकट्ठा हुआ है। देखिए ये हो रहा है काम। तो खेत का जमीन है, उधर पे भी माल भिजाया हुआ है और उधर से लेके ऊपर तक, वो देखिए ऊपर इस तरफ तक देखिए। कौन मेरा कोई दिख? हाँ हेलो, हाँ यूट्यूब से चल रहा है। हाँ इधर चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है गाइस। ये देखो माल मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये इकट्ठा करके रखा हुआ है। हाँ यूट्यूब चैनल, ये माल पूरा सूख गया हुआ, ये सूख गया पूरा माल। ये पीछे वाला लाइन जो है ये पूरा वाला सूख गया। ये हम लोग अभी धूप में नहीं लगाएंगे, मतलब पीछे आगे, क्योंकि आगे वाला माल जो है वो उस तरफ, ये आगे वाला माल ही हम लोग मतलब आगे दे रहा है सुखाने के लिए, ठीक है। वो मतलब थोड़ा सा कच्चा ऐसा है तो उनको सुखाना ज़रूरी है। ये वाला सूख गया तो हम लोग ये नहीं लगाएंगे। ये अभी मूठा बनाएंगे, कुछ इस तरह का मूठा होगा, ऐसे ऐसे मूठा होगा। मूठा होने के बाद उसका वेट होगा 50 kg करके वेट होगा, उसके बाद बोरा बनेगा। तो गाइस ये वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।